हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। सो आज के टॉपिक में हम आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई से भी एग्ज़ाम हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए। सो आज चलो हम सीखते हैं कि आइगेन फंक्शन किसको बोलते हैं, आइगेन वैल्यू किसको बोलते हैं और किस तरीके से उसको निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। सिंपल सी बात, आइगेन क्या होता है? सबसे पहले तो आइगेन क्या होता है, आइगेन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है करैक्टरिस्टिक, मतलब करैक्टर, करैक्टर बताता है, लक्षण बताता है, अभिलक्षणात्मक या करैक्टरिस्टिक्स इसका मीनिंग होता है। और इसके मतलब क्या होता है आइगेन फंक्शन का, हमने ऑपरेटर हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि एक्चुअली में ऑपरेटर होते क्या हैं। तो बस किसी ऑपरेटर पे आप क्या करते हो, कोई फंक्शन देते हो और हमें क्या मिलता है, जैसे हमने कल डिस्कस भी किया था कि जैसे ये क्या है, ऑपरेटर है, इसके नीचे वैल्यू दोगे आप, फंक्शन दोगे तो 16 दोगे तो एक आउटपुट हमारे पास निकल के आता है। तो ये ऑपरेटर है, नीचे वाला फंक्शन या कोई वैल्यू है और हमारे पास 4 क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। अब इसी तरीके से मान लिया कोई ए ऑपरेटर है, कोई ए के ऑपरेटर है जिसको आप एफ एक्स फंक्शन दे रहे हो, ए के ऑपरेटर है जिसको एफ एक्स फंक्शन दे रहे हो, तो क्या होगा, हमें कोई वैल्यू मिलेगी, के वैल्यू तो मिल रही है, हमें कोई वैल्यू मिल रही है के, लेकिन ये वाला फंक्शन है ना जो एफ एक्स फंक्शन हमने दिया है इसको, वो फंक्शन हमें एज इट इज वापस मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी ऑपरेटर है, मान लिया एक एक ऑपरेटर है, इसको आप क्या दे रहे हो, फंक्शन दे रहे हो, फंक्शन दे रहे हो, एफ एक्स फंक्शन दे रहे हो, तो इसमें आउटपुट के रूप में आपको क्या मिली है, के वैल्यू मिली है, परिणाम या रिजल्ट मिला है, लेकिन इसके साथ ही जो फंक्शन आपने दिया है वो फंक्शन आपको ऐसे के ऐसे वापस मिल रहा है, तब हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइगेन फंक्शन, आइगेन फलन या फंक्शन, और इस के को क्या बोलेंगे, आइगेन मान या वैल्यू, वैल्यू और आइगेन फंक्शन। अगर हमें वो फंक्शन वापस मिलता है तभी हम उसको आइगेन फंक्शन बोलेंगे, तभी उस वैल्यू को आइगेन वैल्यू बोलेंगे। और ए क्या है, हमारा ऑपरेटर या संकारक है, और एफ एक्स क्या है, फलन या फंक्शन है। तो ये ऑपरेटर में आप कोई फंक्शन दे रहे हो एफ एक्स, तो आपको कोई वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो फंक्शन, जो फंक्शन आपने दिया था वो एज इट इज आपको वापस मिल रहा है, तब आप उस वैल्यू को क्या बोलोगे, आइगेन वैल्यू, और उस फंक्शन को क्या बोलोगे, आइगेन फंक्शन। हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हमें वो वैल्यू और वो फंक्शन वापस मिलेगा। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, हम सॉल्व करेंगे एक एक करके इसको। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स, ये कोई ऑपरेटर है हमारा जो क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन या अवकलन करता है ना, ये हमारा ऑपरेटर है डी अपॉन डी एक्स, इसको आप फंक्शन दे रहे हो e माइनस ए एक्स, ये फंक्शन दे रहे हो, तो अवकलन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ए एक्स का क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो d अपॉन डी एक्स, ए एक्स का अवकलन करते हो माइनस ए एक्स का, तो a हमारा कॉन्स्टेंट राशि है, क्योंकि जो नीचे वाली टर्म होती है हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो ये ऐसे कैसे बाहर निकल आएगा माइनस ए, और डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए हो गई। और जो ई होता है, ई होता है, ई के ऊपर चाहे कुछ भी हो, ई होता है उसका जो अवकलन होता है वो एज इट इज ई एक्स ही रहता है। तो ये पूरी टर्म थी, पहले हमने इस वाली टर्म को सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, माइनस ए मिल गया, जो मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। और अब पूरी ओवरऑल e माइनस ए एक्स का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, जो क्या होता है, ऐसे कैसे होता है, अगर हम डी डी एक्स और e के ऊपर कुछ भी हो अगर उसका अवकलन करते हो तो वो एज इट इज आ जाता है, पहले इसका अवकलन होता है तो इसका अवकलन तो 1 आ गया,
और ये एज इट इज आ गया है ना। तो इस तरीके से अब ये इसका अवकलन तो माइनस ए हो गया और ये एज इट इज आ गया, तो ई माइनस ए एक्स एज इट इज आ गया। तो अब इससे क्या निकला, इससे क्या पता चला कि ये ऑपरेटर था हमारा डी अपॉन डी एक्स और ये हमने फंक्शन दिया, ये क्या है फंक्शन दिया, फलन दिया, तो हमें फंक्शन तो ऐसे कैसे वापस मिल गया और ये क्या मिल गया रिजल्ट के रूप में ये मिल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे आइगेन मान और इसको क्या बोलेंगे आइगेन फलन या आइगेन फंक्शन बोलेंगे। इसको आइगेन फंक्शन बोलेंगे क्योंकि जो फंक्शन हमने दिया वो हमें एज इट इज मिल गया और इसके साथ हमें कोई वैल्यू मिल गई जिसको आइगेन वैल्यू बोलेंगे और इस फंक्शन को आइगेन फंक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से हम एक और लेते हैं, मैं इसको मिटा देती हूँ। एक लेते हैं d अपॉन डी एक्स, ये कोई ऑपरेटर है हमारा जिसपे हमने क्या किया साइन 2x फंक्शन दिया, ये हमारा फलन है। जब हम पहले साइन 2x से पहले हम 2x का क्या करेंगे, 2x का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स 2x का अवकलन करते हो तो 2 क्या है एक कांस्टेंट राशि है जो बाहर निकल जाएगी और dx अपॉन dx का अवकलन क्या होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 2x की वैल्यू क्या आ रही हमारे पास 2 आ गई और तो 2x की वैल्यू 2 आ गई और sin 2x की जब हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन होता है cos 2x। तो अब हाँ, इससे क्या पता चल रहा है हमें कोई वैल्यू तो मिल गई लेकिन फंक्शन हमने क्या दिया था इसको साइन 2x फंक्शन दिया था। अब ये फंक्शन हमें कोस 2x मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ना तो आइगेन फंक्शन, ये आइगेन फंक्शन नहीं है, ये आइगेन फंक्शन नहीं है। अगर अगर इसका आप डबल डिफरेंशिएशन करते हो, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है इस साइन 2x का डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया हमें तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं d अपॉन dx, 2 तो कांस्टेंट राशि है बाहर निकल गया, cos 2x का करोगे तो सबसे पहले तो 2x का करते हैं तो 2 आएगा, फिर cos 2x का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है माइनस साइन 2x और 2 पहले से बाहर था तो मल्टीप्लाई 2। तो इस तरीके से एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमें 2 cos 2x मिल गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिल गया 2 sin 2x मिल गया। तो इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस 4 sin 2x आएगा। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने कोई ऑपरेटर दिया इसको और ये क्या दिया फंक्शन दिया, फंक्शन या फलन दिया, तो ये फलन हमें एज इट इज वापस मिल गया। जैसे साइन 2x दिया था तो साइन 2x फंक्शन हमें वापस मिल रहा है तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे आइगेन फलन या आइगेन फंक्शन बोलेंगे। और हमें इसके साथ माइनस 4 क्या मिल रही है वैल्यू मिल रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम आइगेन मान या आइगेन वैल्यू। तो बस सिंपल सी बात यही है कि जो हम फंक्शन दे रहे हैं वो फंक्शन अगर हमें मिलता है तो ही हम उसको आइगेन फंक्शन बोलेंगे और उसके साथ अगर हमें कोई वैल्यू मिलती है तो उसको हम आइगेन वैल्यू बोलेंगे और अगर वो फंक्शन हमें नहीं मिलता है तो उसको आइगेन फंक्शन नहीं बोलेंगे और ना ही उस वैल्यू को आइगेन वैल्यू बोलेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी ऑपरेटर जिसको आप कोई फंक्शन देते हो उसके साथ आपको रिजल्ट के रूप में कोई वैल्यू मिलती है और वो फंक्शन अगर आपको वापस मिलता है तो हम उसको आइगेन फंक्शन बोलते हैं और उस वैल्यू को आइगेन वैल्यू बोलते हैं। ये एक करैक्टरिस्टिक मतलब एक लक्ष अभिलक्षणात्मक टर्म है आइगेन, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है, इनफाइनाइट होती है ना, लेकिन कभी भी आइगेन फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होती।
सो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच.